हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीके से बन जाने वाली बैंगन की भाजी, जो कि आप बना के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना। तो चलिए हम बैंगन की भाजी बनाना स्टार्ट करते हैं। बैंगन की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बाउल ये सेंगदाने को, मूंगफली को ऐसे ड्राई रोस्ट कर दिया था, और ड्राई रोस्ट करके उसका छिलका निकाल दिया था। मेरे पास ऑलरेडी भुना हुआ सेंगदाना था, आप यहाँ पे सेंगदाने को ड्राई रोस्ट कर ले। सेंगदाने को फिर मैंने इस तरह से दरदरा पीस लिया है, हमें एकदम फाइन पेस्ट नहीं करना है, इस तरह से पीस लेना है। फिर यहाँ पे मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख दी है और उसमें डाल रही हूँ दो बड़े चम्मच ये अक्खा साबुत धनिया, और इसे डाल के एक मिनट हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट हो जाने के बाद फिर इसमें ऐड कर रही हूँ ये डेसिकेटेड कोकोनट। यहाँ पे आपके पास अगर फ्रेश नारियल हो तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे भी इसमें डाल के अच्छे से रोस्ट कर लेंगे दोनों चीज़ों को, और फ्लेम को मीडियम रखना है, नहीं तो हमारा धनिया और कोकोनट का पाउडर जल सकता है। इस तरह से ड्राई रोस्ट हो जाने के बाद देखिए कलर चेंज हो चुका है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पे मैंने फिर से ले लिया है वही मिक्सी जार जिसमें हमने सेंगदाना को पीसा था। अब उसमें मैं डाल रही हूँ ये 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, उसी के साथ डाल रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्च, ये भी आप आपके पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसी के साथ जो हमने अक्खा धनिया और कोकोनट को ड्राई रोस्ट किया था इसे ऐड कर रही हूँ, और इन सभी चीज़ों को हम बिना पानी डाले पीस लेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो हमने सेंगदाने का पाउडर बना रखा था इसे ले लिया है एक प्लेट में, उसी के साथ जो हमने अभी लहसुन हरी मिर्च और अक्खा धनिया और नारियल के पाउडर का पेस्ट बनाया इसे भी इसमें ऐड कर रही हूँ। इसी तरह से हमें बिना पानी के उसे पीसना है और इसे भी इसी के साथ ऐड कर लेंगे। फिर इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, और 1/2 चम्मच ही डाल रही हूँ गरम मसाला, और उसी के साथ डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और फिर मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल को थोड़ा सा गरम कर लिया है, इसे इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मसालों में। तो इसे डाल के अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मसालों के साथ तेल में मिक्स कर लेंगे। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब मसालों को हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पे मैंने 250 ग्राम ये बैंगन ले लिए हैं, इस तरह वाले बैंगन ही इस सब्जी में लेना है, और इसे अब हम 4 पीस में कट कर लेंगे। और कट करने के बाद हमें इसे पानी में ही रखना है, नहीं तो बैंगन काले पड़ जाते हैं। तो इस तरह से हम इसे 4 भाग में कट करेंगे और अंदर के तरफ चेक कर लेंगे कि कुछ कीड़े ना हो। तो इस तरह से चेक करके हम सभी बैंगन के 4 टुकड़े कर लेंगे। सभी बैंगन को 4 टुकड़ों में कट कर लेने के बाद अब हमें एक एक बैंगन को पानी में से निकालना है, और उसमें हमें मसालों को भरना है अच्छी तरह से। इस तरीके से हम मसालों को फिल करेंगे उसके अंदर, चारों तरफ से डाल के अच्छे से प्रेस करना है कि मसाले बाहर ना निकले। तो इसी तरह से हम सभी बैंगन में मसाले भर लेंगे। सभी बैंगन में मैंने मसाले फिल कर दिए हैं, तो चलिए अब इसे हम कुक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी थी और उसमें मैंने 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। यहाँ पे आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल गर्म हो जाने के बाद फिर उसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा तड़क जाने के बाद फिर डाल रही हूँ 3 से 4 ये कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता भी अच्छे से तड़क जाने के बाद फिर हम उसमें बैंगन ऐड करेंगे। और यहाँ पे अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे, और लो टू मीडियम फ्लेम पे अब हमें बैंगन को कुक करना है। तो इसे डाल के अच्छे से हम चारों तरफ से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक के 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद फिर हम चेक करेंगे, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इसे देखिए बहुत प्यारा सा कलर आ गया है बैंगन में, अभी भी ये पूरी तरह से कुक नहीं हुए हैं। तो और हम 2 से 3 मिनट इसे ढक के कुक करेंगे कि चारों तरफ से बैंगन अच्छी तरह से पक जाए। बैंगन
बैंगन को कुक होते टोटल 5 से 6 मिनट हो चुका है। बैंगन बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। अब लास्ट में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो हमारे मसाले बच गए हैं फिल करने के बाद बैंगन में, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे और उसे भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बैंगन में। और लास्ट में डाल रही हूँ हरा धनिया और इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और रेडी है हमारी ड्राई बैंगन की भाजी, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसे अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। रेडी है हमारी बैंगन की सब्जी, बहुत ही टेस्टी और यमी बनी है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ ही साथ जो बेल का बटन होता है उसे आप ज़रूर प्रेस करना कि ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।